जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। कि तुम्हें अपना बेटा इस छिलकों के ढेर में मिल सकता है? ओ, तो तुम्हें लगता है ये मजेदार है? ठीक है, तुम सब मिलकर इस जगह को साफ करोगे। चलो शुरू हो जाओ। हे, तुम्हें लगता है कि तुम उबासी लेकर एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम्हें नेता बन सकते हो? ये जगह कितनी गंदी हो गई है, ये अपने बच्चों तक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ, ये जगह बहुत गंदी है। हाँ ठीक है, खूब हंसो, पर देखना जब मैं तुम सबका नेता बनूंगा तब तुम सब हंसने की बजाय काम कर रहे होगे। काला काफी देर से ठंडी को भागे आसपास घूम रहा है और बल्लू यहाँ नहीं है। मैंने अभी अभी ट्रिकी को देखा, वो अकेला घूम रहा था। हमें माशा को बताना होगा। ओम मेरे लंगूर, ये मत करो वो मत करो, मैं तंग आ गया हूँ। गुस्से से कभी किसी का भला नहीं हुआ है मेरे नन्हे दोस्त, पर वहाँ सब मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। सबकी भलाई के लिए तुम्हें अपने रहने की जगह का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सफाई भी, तुम देखना कितनी मजेदार हो सकती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। हेलो माशा, बताओ कैसी हो तुम? देखो मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। शांत हो जाओ माशा। ये क्या हो रहा है? क्या? मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं चीखती चिल्लाती हूँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता, समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम चाहो तो मैं इसे बदलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो भी वही है, घूम घूम कर दिखावा करता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं अब माशा को पहचान ही नहीं पा रही। शायद अपनी काली गहरी आँखों से माशा पर जादू कर दिया हो। क्या तुम समझ रहे, वो नेता बन भी सकता है। क्या लंगूर और माशा एक साथ नेता, दोनों के दोनों? वैसे लगता है उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन माशा की जगह सिर्फ मैं ही लीडर बन सकता हूँ, ना कि वो धूर्त। हम तो जानते भी नहीं कि वो आया कहाँ से। ट्रिकी, तुम्हारा ट्रिकी खोया नहीं है, मैंने उसे देखा, वो माशा और लंगूर के साथ है। शांति और सहजता। पंख, मैं पंख की तरह हल्की हूँ। क्या? काला इस इलाके में घूम रहा है, हम तुम्हें होशियार करने आए हैं माशा। ये सब क्या हो रहा है? काला यहाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्या अगर... तुमने उसे देखा है? तुम्हें बंदरों को होशियार करना होगा, काला से मैं निपट लूंगा। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक शॉर्टकट है, लेकिन ट्रिकी के साथ ये खतरनाक हो सकता है। चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे और उसे घर पहुँचा देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम माशा और उसके नए उस लंगूर से छुटकारा पा सकते हो? मैं हमारी शैतान बंदरों की टोली में थोड़ा सा अनुशासन लाना चाहता हूँ। एक जंगल जिसमें ना माशा होगी और ना ही उसका चिल्लाना, जरा सोच के देखो। चिल्लाती माशा, उसके चिल्लाने से मुझे परेशानी होती है। माशा और उस फुसफुसाने वाले से निपटने के लिए तुम्हें लंगूर और उस छोटे बंदर को सम्मोहित करना होगा, और फिर मैं आऊंगा। मैं लंगूर पर बच्चा चुराने का इल्जाम लगाऊंगा और कहूंगा माशा ने उसका साथ दिया है। फिर तुम चुपके से ट्रिकी को मुझे दे देना, मैं हीरो बन जाऊंगा और बिंगो, सारे बंदर मुझे अपना नेता बना देंगे और माशा भाग जाएगी। ख्याल बुरा नहीं है, क्या लगता है? मैं माशा को ठिकाने लगा सकती हूँ, पर मुझे क्या मिलेगा? लंगूर,
तुम अपने नाश्ते के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकती हो। हाथ मिलाओ दोस्त। मत करो, मैंने देखा है तुम्हारे प्यारे लंगूर ने ट्रिकी को अगवा किया है। तुम उससे मिली हुई हो, कबूल करो। ये क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? लंगू ट्रिकी को लेकर आ रहा है, उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और तो और, हमने काला को यहाँ घूमते देखा है और वो खतरनाक है। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। न सिर्फ उस लंगूर ने ट्रिकी को अगवा किया है, बल्कि वो माशा के साथ हम पर राज भी करना चाहता है। वो चालबाज, अरे वो तो हम बंदरों के बीच में से है भी नहीं। माशा और उसकी गैंग को जाना होगा। मैं भी। तुम सब पागल हो गए हो, झगड़ा करना बंद करो। असली खतरा काला है, इससे पहले कि देर हो जाए हमें छुपना होगा। ऐसा मत करो। नहीं ट्रिकी, हमने बहुत देर कर दी। ये तुमने क्या किया बदमाश? मेरा लंगूर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा लंगूर? देखो ये साफ जाहिर है, तुमने ट्रिकी को काको दे दिया है। मैं इस झूठे की बात मानकर एक अच्छा नेता बनने की कोशिश कर रही थी और ये। उसने ऐसा नहीं किया, देखो का ने उसे सम्मोहित कर रखा है। क्या बेवकूफी है, ये सब एक चाल है। का और बड़ा बंदर दोनों मिले हुए हैं। लंगूर, मुझे पता था तुम निर्दोष हो, अब तुम मेरे हो। मैं बहुत डर गया था, बड़े बंदर ने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उसे देखा था, वो का के साथ मिलकर हंस रहा था। बड़ा बंदर का के साथ था, लेकिन तो ये बात है, ये दोनों गद्दार मिलकर मेरी जगह लेना चाहते हैं। और लंगूर, क्या उसने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया? का ने उसे सम्मोहित कर लिया बस चुटकियों में, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। बड़े बंदर को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं असली बॉस कौन है। तुम्हारी टोली सबसे पहले है, क्या तुम काला के बारे में भूल गई? उम्मीद है बगी को कुछ नहीं हुआ होगा। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा छोड़ दो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। तुम इसे ले जाओ। काला, तो तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच गए? जरा सुनो सब लोग, जो भी हाथ में है उस पर फेंको। तुम सब भोले हो, माशा ने फिर से नेता बनने के लिए काला से हम पर हमला करवाया। समस्या है, माशा को ठिकाने लगाने के बदले में तुमने मुझे इस लंगूर और नन्हे प्यारे बंदर का वादा किया था, वो दोनों गायब हो गए। अब
अब अच्छा लग रहा है। तुमने देखा, ये ही तुम्हारी समस्या है। तुम नहीं जानते अपनी भावनाओं को काबू में कैसे किया जाए। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम ऐसा करना सीख सकते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम्हें मास्टर लंगूर के साथ रहकर ये सब सीखना होगा। इतना ही नहीं, ये तुम्हें राजनीति में अच्छा नेता बनना भी सिखा सकते हैं। फिर एक दिन तुम बहुत बड़े नेता बन जाओगे। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। रुको। आज तेरा कीमा बना कर रहूंगा। बचाओ! देखो एक शेर पल भर में कैसे बूढ़ा बिल्ला बन गया। माशा ने तो जादू कर दिया। चल अब यहाँ से फुट ले बिल्ले, वरना तेरी चटनी बना दूंगी। ये तुमने क्या किया माशा? शेर खान की कहानी खत्म। मैं माशा आज से जंगल की रानी हूँ। तुम सबकी नई लीडर बन गई मैं। माशा ने शेर खान को बिल्ले में बदल दिया, मतलब उसकी आवाज भीगे बिल्ले जैसी थी। क्या शेर खान बिल्ला बन गया? क्या बकवास है। कितने मजाकिया हो तुम की। इन बंदरों को क्या हो गया? हमारे घर में क्यों तबाही मचा रहे हैं? बंद करो ये सब बंदरों। खामोश बल्लू, ये मेरा जंगल है। जो मन करेगा हम वही करेंगे। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी रानी हूँ और तुम मेरी जनता? जंगल नहीं, तुम किसी गटर की रानी हो माशा। इन पर नजर रखना, ये बगावत कर सकते हैं। अगर शक हो तो इन्हें गंजा कर देना। क्या करे इस बंदरिया का? सबसे पहले तो हमें शेर खान से मिलना होगा। ये इसे क्या हो गया? मेरे आका, दफा हो जाओ और अकेला छोड़ दो मुझे। मैं किसी का आका काका नहीं हूँ। अब मैं किसके दम पर दूसरों पर धौंस जमाऊंगा? एक ही सच कह रही है, शेर खान तो सच में बिल्ला बन गया। उसकी आवाज अजीब हो गई है, पर ये बिल्ला नहीं बन गया मोगली। शेर खान का बस गला खराब हो गया है। अब ये ठीक कैसे होगा? गले का उपाय, थोड़ा शहद खाया जाए, आसान सा इलाज है। अब जल्दी चलो, हमें उस पागल बंदरिया को रोकना होगा। तुमने सुनी ना इनकी साजिश? चलो चलकर माशा को बताते हैं, जल्दी चलो। जंगल की नई रानी के लिए ये नाचीज गीदड़ खास संदेश लाया है। नाचीज गीदड़ संदेश लाया है? गीदड़ एक चीज लाया है, चीज एक गीदड़ साथ लाया है। जो आया है उसे मेरे पास भेज दो। जो आया है उसे खोजो। खोजो उसे जो आया है। खोजो जिसे वो आया है। ओ, जंगल की नई खूबसूरत रानी, अपनी ताकत को मेरे दिमाग के साथ मिला दीजिए, फिर देखना हम जंगल का इतिहास बदल देंगे। इंसानी बच्चा और मोटू भालू शेर खान को ठीक करने वाले हैं। क्या? उन्हें रोकना होगा। जाओ ढूंढो उन्हें। और रानी साहिबा, मैंने सब सुन लिया, ये काम आप मुझे करने दीजिए। उन लल्लुओं को पकड़ने में मैं माहिर हूँ। पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ रानी साहिबा। आपकी महान ताकत के सामने वो शेर खान एक मामूली बिल्ला है। बहुत खूब, किसी को तो ये पता चला। आज से तुम मेरे सेनापति। मोना मीरा, इसके साथ जाओ और उस इंसानी बच्चे और भालू को ले आओ।
बड़ा छत्ता था, बहुत शहद निकला। थोड़ा सा शेर खान के लिए भी छोड़ देना। हाँ, इसमें हो जाएगा। देखो बलू, मैंने गुलाल बनाई है, उन शैतान बंदरों से निपटने के लिए काम आएगी। अब चलो शेर खान के पास चलते हैं। अब मेरा क्या होगा, मेरा इस जंगल में कोई अपना नहीं रहा। तबाकी? ओ घबराओ मत, हम जल्द ही। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी धोखेबाज। मुंह बंद करो इसका। चलो रानी माशा के द्वार। ये रहे आपकी कैदी रानी साहिबा, वादे के मुताबिक। बहुत खूब, तुम बड़े काम के हो गीदर, दिल जीत लिया तुमने। और रानी तुम्हारे इस काम का इनाम देगी, आज से तुम रानी माशा के सलाहकार। एक से एक सलाह दूंगा आपको रानी साहिबा। तो मोगली के बच्चे अब मुझ पर लगाम कैसे लगाएगा? हाँ। सही कहा, मैं तो कैद हूँ पर शेर खान आजाद है, और देखना वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। हाँ। लेकिन चाहो तो तुम उसे पहले रोक सकती हो, उसके पास जाओ और उसे जंगल से बाहर निकाल दो, ताकि सब तुम्हें अपनी रानी मान सके। रानी को क्या करना है ये एक मामूली इंसान नहीं बताएगा। मेरा सिंहासन लाओ, मैं अभी जाऊंगी। फिलहाल इन दोनों को आराम करने दो, डाल दो इन्हें जेल में। और तुम दोनों यहीं पर निगरानी रखना, ताकि ये भागने की जरूरत ना करें। ये मेरा है, छोड़ दो इसे, मेरे से पर हम यहाँ से वक्त पर निकलकर शेर खान तक कैसे पहुँचेंगे? टेंशन मत लो बलू, मैंने सोच लिया है। दे मुझे। एक टेस्टिया मेरे पास भी है, अगर चाहो तो तुम ले सकते हो। ओहो, ये तो बाहर ही नहीं जा रहा, काश शेद बड़ा होता तो ये तुम खा पाते। ओहो। बहुत अच्छे मोगली, मिल बात कर खाना। हाँ। बोलू, शेर खान की गुफा में मिलते हैं, मैं वहाँ जल्दी से शहर लेकर पहुँचता हूँ। धोखेबाज गीदर, खामोश। जल्दी आओ मोगली। रानी माशा एक बार फिर तुमसे लड़ना चाहती है, अगर तुम हारे तो जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं नहीं मानता। शेर खान लड़ने से मना कर रहा है और जंगल छोड़ के जा रहा है। रानी माशा की जय हो। हे बलू, क्या हो रहा है यहाँ? शेर खान ने लड़ने से इनकार कर दिया, हमें उसे फौरन शहद खिलाना होगा। ये तो मैं पलक झपकते ही कर लूंगा, चलो मेरे साथ। अच्छा फैसला लिया तुमने, वरना इस बार मैं तुम्हें चूहा बना देती। मेरे पास आओ टबाकी और मेरी जीत का जश्न मनाओ। रुक जाओ शेर खान। क्या? इंसानी बच्चे खुश हो आप? रुको शेर खान, माशा के पास कोई महान शक्ति नहीं है, तुम्हारा गला खराब हो गया है बस। Ha 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 ha
हाँ तो क्या कह रही थी बंदरिया? मुझे जाने दो वरना मैं फिर से तुम्हें बिल्ला बना दूंगी। मोगली, बलू, मेरी बात तो सुनो, मुझे अपना सलाहकार रख लो, मजा आएगा। नहीं, हमें तो ऐसे ही मजा आ रहा है। क्यों ना तुम खुद को शेर खान से बचने की सलाह दे दो, काम आएगी तुम्हारे लिए। रुक जा धोखेबाज गीदड़। बचाओ। भगोड़ा गीदड़। यहाँ के फलों का स्वाद ही कुछ और है। जिद्दी इंसानी बच्चा इंसानी गांव के कितने नजदीक चला गया। ये तो वही लड़का है, रुक जा। अरे भागता कहाँ है, पकड़ो इसे, जाने मत देना। रुक जा, जंगल की तरफ भाग रहा। हाँ। इस मोगली की वजह से हम सब मारे जाएंगे। इंसानों की हरकत। ये क्या हो रहा है? ये तो मोगली है। ओ, ये मोगली गया ना। मोगली, उड़ने का काम पक्षियों के लिए छोड़ दो। जानते हो बलू, मैं गांव के पास ही था, वो मुझे देखकर मेरे पीछे भागे, पर मैं तो बस फर्राटे की तरह निकल आया। हाँ, तुम्हें वहाँ जाने से बचना चाहिए मोगली, जंगल के बाकी लोग इसका विरोध कर सकते हैं। मोगली, तुम्हें इसी वक्त सभा में बुलाया गया है। हाँ? आज यहाँ फियोना ने झुंड की इस खास सभा को बुलाया है। बोलो फियोना, क्या है? एक बार फिर मोगली की वजह से इंसान नदी पार करके जंगल में आए, ये हम सभी के लिए एक खतरा है। मैं कहता हूँ इसे इसके इलाके में भेज देना चाहिए। हाँ? फियोना की बात सही है, मोगली को गांव के पास नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी गलती है मोगली। पर मोगली हमारे झुंड का काबिल सदस्य है और ये बात तुम भी जानते हो फियोना। इसके बावजूद तुम इसके खिलाफ ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तो सजा ये है कि तुम्हें अपना अगला शिकार मोगली के परिवार के साथ बांटना हो। और तुम मोगली बल्लू से जंगल के नियमों के बारे में एक लेसन ज्यादा लोगे ताकि चीजें ज्यादा याद रख सको। ओ फियोना, क्या सोचा, क्या हुआ, सभा में अपनी ही बेइज्जती करवा ली? मुझे शेर खान से बात करनी है। पर क्या शहंशाह शेर खान तुमसे मिलना चाहेंगे? जरा रुको तो, मैं पता करके आता हूँ। क्या हाल है फियोना? किसी को बोलना मत मैं यहाँ था। अरे नहीं नहीं, ओहो बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ, वैसे मैंने किसी और को भी यहाँ नहीं देखा था, बता सकते हो वो कौन था? ऐसे क्या बैठे हो, मेरे पीछे आओ। आओ आओ फियोना, बोलो किस काम से आए हो? बरखुरदार मेरा वक्त खराब मत करना, वरना तुम्हें खाकर भी मेरी थोड़ी भूख मिट ही सकती है। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और इंतजाम कर सकता हूँ शेर खान। मोगली का। मोगली? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, जल्दी बोलो। तुम्हें अकेला का एहसान मंद होना चाहिए मोगली। जानता हूँ, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। सबसे पहले तुम्हें मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। फालतू की हरकतें बंद कर सकते हो। नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। इससे तुम्हें तो तुम्हारा शिकार इंसानी बच्चा मिल जाएगा और मुझे अकेला से छुटकारा। तो तुम झुंड के लीडर बनना चाहते हो ना? अच्छा दिमाग लगाते हो। वो गड्ढा गांव वाले ब्रिज के पास बना हुआ है ना? हाँ, वहीं पर है।
तबाकी ये तो सभी जानते हैं, अकेला शिकार पर अकेला जाता है। तबाकी अकेला से कहो उस गांव वाले ब्रिज के पास अच्छा शिकार मिल सकता है। पर मैं क्यों? देखो अकेला मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। तो भरोसा दिलाओ, जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ बाबा। ओ, तो तुम हो पिद्दी डार्जी। मैं ही हूँ। अच्छा सुनो टाटा बाकी, तुम्हें एक बात पता है? डार्जी, मैंने तुम अकेला को एक मैसेज दोगी? ओ हाँ, बहुत जरूरी है। क्या आज की ताजा खबर है? अकेला से कहना गांव वाले ब्रिज के पास एक अच्छा शिकार मिलेगा। ठीक है, अच्छा ब्रिज मिलेगा शिकार के? अरे नहीं, अच्छा शिकार मिलेगा ब्रिज के पास। अच्छा शिकार ब्रिज के पास ना? हाँ, पर ये मत बताना मैंने तुमसे कहा। पर तुमने कहा, अभी कहा। हाँ मुझे ये पता है, पर उसे मत बताना। अब चलो जाओ। अकेला के लिए खबर है। हाँ हाँ, एक अच्छा ब्रिज है जिसके पास। क्या अच्छा ब्रिज? अरे नहीं, क्या था, सोचने दो। अच्छा अच्छा, ओ हाँ, अच्छा शिकार। पर कहाँ? मैंने कहा ना, वो ब्रिज के पास। हाँ और क्या? तुम्हें ये किसने कहा डार्जी? ऐसे ही पता चल गया, मैं तो उड़ती रहती हूँ ना। डार्जी की बात माननी चाहिए, शायद शिकार मिल जाए। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नहीं दारुका, मैं शिकार अकेले करता हूँ। खेलना छोड़ो, मेरी बात सुनो भेड़ियों। क्या बात है? अरे अकेला बड़े खतरे में फंस गया है। वो गांव वाले ब्रिज के पास गड्ढे में गिर गया और उसे बाहर सिर्फ इंसानी बच्चा ही निकाल पाएगा। मुझे वहाँ ले चलो टबाकी, जल्दी जल्दी चलो, हम सब जाएंगे। अरे नहीं नहीं, माहौल असुरक्षित है, इंसानी शिकारी भी आते ही होंगे। अब जल्दी चलो टबाकी। तुम सब यही रुकना। देखो ये तो मोगली ही था। बड़ी चलती आ गए इंसानी बच्चे। कैसे हो मोगली? अरे ये बेल क्यों लाए हो? समझ गई, तुम इससे वहाँ। फियोना, तो ये तुम्हारा बदला है हाँ? कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगा। फियोना, मैं आया हूँ मोगली, अकेला को बचाने यहाँ आया हूँ। मोगली, फियोना, मैं यहाँ अंदर हूँ। मोगली, बहुत अच्छे, मैंने ही तुम्हें बुलावा भेजा था। मोगली तुम्हें बचाने आया है अकेला। मुझे मोगली ने देख लिया। तो क्या हुआ, शेर खान उसे ही खाएगा। पर नहीं खा पाया तो अकेला जिंदा बच जाएगा और मोगली पूरे झुंड के सामने मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगा टबाकी। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा दोस्त। Oh!
शुक्रिया मोगली, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा भी शुक्रिया फियोना। और मेरी जान बचाने के लिए भी। लगता है कोई गड्ढे में फंसा है। टबाके ने मुझे अकेला के बारे में बताया, पर फियोना ने कहा उसने मेरे लिए बुलावा भेजा है, पर वो मुझे बुलाने के लिए टबाके को क्यों भेजेगा? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना ही ढूंढे जाए तो अच्छा है। और कुछ सच्चाई बिना कहे बयां होती है। शुक्रिया डाजी। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए।